30 नवंबर 2022 चैट जीपीटी पहली बार दुनिया भर में लोगों के बीच में रिलीज हुआ और रिलीज होने के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही इसने 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया और एक महीने बीते बीते ये आंकड़ा 6 गुना बढ़कर 5 करोड़ 70 लाख यूजर्स पर पहुंच गया और आज इसके 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। ऐसे में चैट जीपीटी की सफलता को देखकर इसे लॉन्च करने वाली कंपनी ओपनएआई का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है और इसीलिए इन्होंने इसके लॉन्च के मात्र 4 महीने बाद मार्च 2023 में ही इसका एक और वर्जन चैट जीपीटी 4 भी मार्केट में लॉन्च कर दिया जो कि एक बार में 25,000 से ज्यादा शब्दों में रिजल्ट्स जनरेट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के सक्सेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे लॉन्च करने वाली कंपनी ओपनएआई ने ये अनुमान लगाया है कि वो साल 2024 के अंत तक इस एआई बोर्ड से $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। वही साल 2023 के अंत में ये आंकड़ा $200 मिलियन के पार होगा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये फायदा सिर्फ ओपनएआई को होने वाला है तो एक बार इन आंकड़ों पर जरा गौर डालिए। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी में $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं और अब इनके पास इस कंपनी के 46% हिस्सेदारी है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई को अपना हथियार बना के मार्केट में मौजूद अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने की तलाश में जुटा हुआ है, स्पेशली उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर गूगल को। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में चैट जीपीटी गूगल के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा और आखिर कैसे माइक्रोसॉफ्ट इस गेम में गूगल को पीछे छोड़ देगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप भी चैट जीपीटी के पीछे की सारी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी आखिर कौन है, इसके पीछे का रियल मास्टरमाइंड? दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है साल 2019 में जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ओपनएआई नाम के एक छोटे से एआई फर्म में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वो समय था जब पूरी दुनिया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बस साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखा करती थी और इसका रियल लाइफ में पॉसिबल होना उन्हें काफी दूर दूर तक टेढ़ी खीर लगता था और लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होगा। लोगों को ये पता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आएगी पर मात्र 3 साल के अंदर आएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। पर माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी के पोटेंशियल को उसी समय पहचान लिया था और एआई के आने वाले फ्यूचर को भी भली भांति भांप लिया था। वहीं दूसरी तरफ एक आश्चर्यजनक फैसले में मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क, जो कि ओपनएआई के फाउंडर्स में से एक थे, उन्होंने 1 साल पहले ही साल 2018 में अपने आप को इस कंपनी से अलग कर लिया। और ऐसे में जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग की सप्लायर माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई के साथ डील करनी चाही तो उन्होंने दोनों हाथ से इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो ये एआई मॉडल था उसे रन करने के लिए उन्हें भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी, जो कि एक छोटी सी फर्म होने की वजह से वो कभी भी अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे और इसीलिए उन्हें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उनकी इस नीड को पूरा कर सके। और इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग लेने के लिए वो राजी हो गए और अपने इस एआई मॉडल पर आगे काम करना शुरू कर दिया। पर असल खेल तो शुरू हुआ नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के वर्जन 3.5 के लॉन्च होने के बाद। जैसे ही ये चैट बोर्ड दुनिया के हाथ लगा तो एक तरह सारी जनता इसकी क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि अब तक वो सारी चीजें फिल्मों में होते देखते आ रहे थे उनमें से कई चीजें वो इस चैट जीपीटी की सहायता से कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट का वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा था, पर कैसे, आइए जानते हैं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई को फंडिंग दे रहा है जिसके लिए वो इस कंपनी का 49% शेयर ले रहा है और तो और इस $10 बिलियन डील के लिए उन्हें अपने प्रॉफिट का 75% भी माइक्रोसॉफ्ट को देना होगा जब तक वो इस अमाउंट को वापस नहीं कर देते। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों तरफ से अगर कोई मालामाल होने जा रहा है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। अब यहां पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों तरफ से इस डील में माइक्रोसॉफ्ट को ही फायदा हो रहा है तो फिर आखिरकार ओपनएआई ये डील कर ही क्यों रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये डील ओपनएआई के फाउंडर और एम्प्लॉइज को भारी मात्रा में पैसे बनाने में मदद करेगा और इसके अलावा इस एआई मॉडल में लगने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी उन्हें काफी सारे पैसे की जरूरत होगी, जो कि एक आंकड़े के अनुसार
$3 बिलियन पर ईयर के आसपास होगी। नंबर टू, चैट जीपीटी गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा। आज हम सभी किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक दूसरे से आपस में कहते भी हैं कि गूगल कर लो, जिसमें बेसिकली गूगल हमें www पर मौजूद वेबसाइट्स की सहायता से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, पर यह भी हमें खुद ही तलाशना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको गूगल पर इस सवाल का जवाब तलाशना है कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो ऐसे में गूगल आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स का लिंक प्रोवाइड कर देगा जिसपे इस बारे में जानकारी मौजूद है। मतलब कि वो खुद आपको रिसर्च करके आंसर देने का काम नहीं कर सकता, और इसीलिए कभी कभी हम जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गूगल पर तलाशना चाहते हैं वो हमें मिल ही नहीं पाती। पर वही चैट जीपीटी इस मामले में गूगल से एक कदम आगे है। अगर आप वही सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी से जाके पूछोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर जनरेट करके वो दे देगा, और यही चीज गूगल को चैट जीपीटी के सामने आउटडेटेड साबित कर देती है। तो क्या आप में गूगल को चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा? आइए आगे की वीडियो में बताते हैं आपको। अब आप में से कितने लोगों ने बिंग सर्च इंजन का नाम सुन रखा है? हमारे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, है ना, क्योंकि ये सर्च इंजन गूगल के जितना पॉपुलर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च ये सर्च इंजन पूरी तरह से गूगल के जैसे ही काम करता है, या फिर यूं कह लें कि ये बस गूगल की एक डुप्लीकेट कॉपी है, और शायद इसीलिए आज तक ये उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका और पूरे माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट का 9% शेयर ही होल्ड करता है। पर चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद पहली बार बिंग को गूगल से आगे निकलने का सुनहरा मौका मिला है। आपने हाल ही में न्यूज में देखा होगा जिसमें आपको ये सुनने को मिला होगा कि माइक्रोसॉफ्ट अपने बिंग सर्च इंजन के साथ इस चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर रही है, यानी कि अब बिंग सर्च इंजन चैट जीपीटी की तरह ही रिजल्ट जनरेट करके देगा, और यही एकमात्र चीज गूगल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। हालांकि बिंग और चैट जीपीटी को डायरेक्ट मर्ज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई बार देखने को मिला है कि जब चैट जीपीटी ने कई सवालों के जवाब काफी बायस्ड होकर दिए हैं, और साथ ही साथ इसके आंसर कई बार रेसिज्म को भी सपोर्ट करते नजर आते हैं, और इसीलिए अगर माइक्रोसॉफ्ट सच में ऐसा कोई इनोवेशन लाना चाहता है तो उन्हें इसके लिए अलग से एक प्रीमियम ब्राउजर लाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और इस ब्राउजर को यूज करने के लिए यूजर को पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पेड क्यों? तो आपको बता दें कि चैट जीपीटी में एक रिस्पॉन्स जनरेट करने का कॉस्ट $0.02 आता है, जो कि गूगल के $0.00001 से 100 गुना ज्यादा है। इसी के साथ ही साथ गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन वेबसाइट्स पर एड्स रन करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें एडवर्टाइजर द्वारा पे पर क्लिक के हिसाब से अर्निंग होती है। पर वहीं पर इसमें चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो इसमें एडवर्टाइजर्स का कोई रोल ही नहीं बचेगा, और उनका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ऊपर हमने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट को अपना नया ब्राउजर पेड रखना होगा। नंबर थ्री, चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनाते हैं पैसा? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव तैयार करने की कोशिश में है, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर सभी लोग करेंगे। जैसे कि अगर ओपन चैट जीपीटी के नाम को ही देखें तो इसमें दो वर्ड्स जुड़े हैं, एक चैट और दूसरा जीपीटी, जिसमें फर्स्ट टर्म बस एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, वहीं जीपीटी जिसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, वो इस एआई मॉडल का अहम हिस्सा है जिसे रन करने के लिए काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है, और वो तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अजूर ओपन एआई को प्रोवाइड कर ही रहा है। अब चूंकि बिल्कुल शुरुआत से ही किसी भी एआई मॉडल को तैयार करना काफी डिफिकल्ट काम होता है, तो ऐसे में अगर कोई और कंपनी ऐसा अपना एक मॉडल तैयार करना चाहेगी तो उसके लिए ये काफी कठिन काम होगा, जिस वजह से डायरेक्टली ओपन एआई से उनके बने बनाए एआई मॉडल खरीदना चाहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप नोशन एआई को ही ले लीजिए, जिसमें मौजूद राइटिंग की क्षमता चैट जीपीटी की वजह से पॉसिबल हो पाई है, यानी कि इस एआई मॉडल का बेस जीपीटी ही है। और ये जीपीटी चलता किस पे है? तो माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग पावर पर। तो इस प्रकार से ये दोनों पार्टनर्स आपस में रेवेन्यू शेयर करेंगे। नंबर फोर, चैट जीपीटी के सामने क्या होगा गूगल का अगला कदम? अब सवाल ये आता है कि आखिरकार गूगल इस बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि गूगल इस बारे में कुछ कर नहीं रहा है, डेफिनेटली वो कर रहा है। हाल ही में उन्होंने चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में अपना एक एआई मॉडल बार्ड लॉन्च किया है, पर अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में है और बस कुछ ही बीटा यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है। पर एआई की जर्नी गूगल के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गूगल अपना एआई लॉन्च करता है तो
तो उन्हें अपने सर्च इंजन से काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बस उनका सर्च इंजन उनके मार्केट शेयर का 58% हिस्सा कवर करता है, जो कि तकरीबन $149 बिलियन के बराबर है। यानी कि अभी गूगल के सामने एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। वहीं अगर बिंग की बात करें तो उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के पूरे मार्केट का बस 9% शेयर ही होल्ड करता है। तो यहाँ से तो सब माइक्रोसॉफ्ट के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।